बक्सर में ईद की धूम है। विभिन्न मस्जिदों तथा इबादत गाहों पर अकीदतमंदों के द्वारा अमन और चैन की दुआ मांगते हुए ईद की नमाज अता की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्होंने आज अल्लाह से पूरे प्रदेश में अमन और चैन की दुआ मांगी है। साथ ही साथ यह भी कामना की है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और अपने देश प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व में कौमी एकता की मिसाल पेश करें। बक्सर में ईद को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोरख राम, नगर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मालाकार के साथ साथ तमाम पुलिसकर्मी सड़क पर मुस्तैद देखे गए। आज ईद को लेकर शहर में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित था। 10 बजे से परशुराम जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, जिसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि 10 बजे तक ईद की नमाज अता कर ली जाए। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने कहा कि प्रशासन की यह व्यवस्था वाकई काबिले तारीफ है। जामा मस्जिद के सचिव ने बक्सर में ईद की नमाज को देखते हुए परशुराम जयंती का जुलूस दिन में 10:30 बजे से निकाले जाने के फैसले पर हिंदू धर्मावलंबियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ईद की नमाज का समय देखते हुए परशुराम जयंती की शोभा यात्रा का समय बदला गया है, यह वास्तव में अपने आप में एक मिसाल है। और हम लोग मांगे शांति अमन की दुआ मांगे कि मत कम हमारा देश शांति रहे, बिहार शांत रहे, शांति से चले। हिंदू भाई दोनों मुस्लिम मिल कर रहे हैं, परशुराम जयंती भी है, तो मीटिंग में हम लोग ये हुआ कि उन लोगों का जुलूस निकलना था 8:30 बजे, मगर ईद को देखते हुए हिंदू समाज ने बहुत सराहनीय काम किया कि 8:30 बजे का 10:30 का समय रखा, क्या आप भी ईद मना लीजिए ताकि आपको भी कोई परेशानी, इसी रोड पर नमाज होना है तो खुलते खुलते 10 बज जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हम लोग 10:30 बजे किला मैदान से जुलूस निकालेंगे। उनका मैं मुबारकबाद देता हूँ, परशुराम जयंती कमेटी का को भी और प्रशासन को भी, कि उन्होंने मैनेज किया कि 10:30 बजे निकालेंगे जुलूस। इसके अतिरिक्त नमाज अता कर मस्जिदों से लौट रहे लोगों ने बताया कि आज उन्होंने दुआओं में जिले के साथ साथ प्रदेश देश और विश्व के कल्याण की कामना की है। उन्होंने कहा कि अमन चैन की दुआ अल्लाह से मांगते हुए यह उम्मीद जताई है कि आने वाला समय सबके लिए बेहतर होगा। ईद के मौके पर सर हमने दुआ मांगे हैं कि हमारे प्रदेश में, हमारे मुल्क में, हमारे विश्व में शांति रहे और हम सब मिल के एक साथ ईद मनाएं, खुशी का इजहार करें और जो है हम लोग सेवई पी लिए हैं और पूरे प्रदेश के आदमी के लिए दुआ मांगे हैं